नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं, जिन्होंने फिलहाल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिजली मंत्रालय दिया गया था उन्हें, सिद्धू ने राहुल गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि इनको इस इस्तीफे के एंगल से नहीं देखा जा सकता कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया हो, क्योंकि इनकी बहुत दिनों से कैप्टन अमरिंदर जो कि पंजाब के सीएम है उनके साथ अनबन चल रही थी, नहीं बन रही थी। पब्लिक फोरम में आके भी ये लोग एक दूसरे की खिलाफत में नेगेटिविटी जैसी चीजें सबके सामने कह रहे थे, और अब इसका नतीजा क्या निकला कि उन्होंने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बिजली मंत्रालय पद से इस्तीफा दिया है। और ये राहुल को भेजा गया इस्तीफा, अब ये अहम सवाल ये है, राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है नहीं कांग्रेस पार्टी में, तो अब इसके बाद भी जो लोग इस्तीफा भेजते हैं वो राहुल गांधी को किस हिसाब से भेजते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। यानी इससे सीधे सीधे संकेत यही जाता है कि राहुल गांधी के बाद अभी भी कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी में तैयार नहीं हुआ है जो जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सके, और यही वजह है कि राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद भी राहुल गांधी को इस्तीफा दिया जाता है। तो फिलहाल ये पंजाब में भी उठापटक शुरू, और ये दो बड़े लीडर्स, कांग्रेस के ही दो बड़े और कद्दावर लीडर्स के बीच की ये सियासी घमासान है। कैप्टन अमरिंदर जो कि वहां के सीएम हैं पंजाब के, और कहीं ना कहीं अनबन महसूस कर रहे थे सिद्धू, और यही वजह है कि इस्तीफा दिया है। इस बीच दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, क्या वाकई हम इसको उस इस्तीफे की फहरिस्त में नहीं शामिल करें जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया हो या फिर मिलिंद देवड़ा ने दिया हो, क्योंकि ये तो अंदर खाने की जो खींचतान थी वो अब बाहर आ चुकी है पंजाब में? जी हाँ, बिल्कुल, बाहर तो काफी पहले आ चुकी थी खींचतान। और आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार और कई स्तरों पर सिद्धू है जो उनके कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उनकी उन पर नाराजगी भी जताई है, उनकी शिकायत भी करी है उनके तौर तरीकों को लेकर। और लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि वो स्टार प्रचारक थे तो सारी जिम्मेदारी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री है उन्होंने सिद्धू की बताते हुए कई बार जाहिर इसको किया है, और दिल्ली में भी आला नेताओं से बात करी है। ऐसे में 6 जून को एक कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में बॉयकॉट करते हुए सिद्धू ने कहा कि मैं इस बैठक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो कैबिनेट के मंत्री थे, फिर भी वो नहीं गए। और उन्होंने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है गलत तरीके से, और इस पूरे जो खराब प्रदर्शन हुआ है पंजाब में लोकसभा चुनाव में उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में उनकी जो लड़ाई है जाहिर हो चुकी थी। तो आप सही कह रही हैं रीमा, ये इस्तीफे का जो रुख है, ये इस्तीफे की जो वजह है, ये उन इस्तीफों में नहीं है जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन यहाँ पे जो आपसी खींचतान जो है ये इतनी जबरदस्त हो गई थी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दोनों की ही पर्सनैलिटी को कहा जा सकता है कि बहुत ही डोमिनेटिंग और बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में है कि अलग अलग राज्यों में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी है, जिसमें कर्नाटका सबसे बड़ा एग्जांपल है, गोवा भी उसके बाद है, लेकिन अब ये दो बड़े लीडर्स की लड़ाई में फिर कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही होना है, कुछ फायदा तो होगा नहीं। देखिए, जाहिर तौर पर ये तो समझने की बात है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह लेकिन इस बात पे एडमेंट थे, और हर बार हर स्तर पर जब उन्होंने सिद्धू की शिकायत करी तब उनको भी समझाया गया और सिद्धू को भी समझाया गया, दोनों एडमेंट थे। और देखिए, उसी एडमेंसी के चलते अगर सिद्धू का रिकॉर्ड देखें तो पहले वो कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस और तमाम तरह से बयानबाजी, तो वो हमेशा विवादों में किसी ना किसी वजह से रहे हैं, जब उनकी नाराजगी भी रही है, लेकिन एडमेंसी एक बहुत बड़ी वजह। लेकिन इस समय जब कांग्रेस ऐसे हालात में है तो ये समझना जरूरी था, क्योंकि देखिए अभी केवल कर्नाटक का सामने आया है, गोवा का सामने आया है, पंजाब का सामने आया है, लेकिन अगर बहुत गहराइयों में जाए तो मध्य प्रदेश की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल की चीजें, बिल्कुल संकट अदिति बिल्कुल नहीं टला है। लेकिन इसी खबर को देखकर अदिति, एक और एंगल खबर के सिलसिले में निकल रहा है कि सिद्धू ने राहुल को इस्तीफा भेजा है, उस राहुल गांधी को जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो कह रहे हैं कि कोई और चेहरा जिम्मेदार बने, लेकिन अभी भी राहुल को ही नेता माना जा रहा है, राहुल को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार ओहदा माना जा रहा है, तो क्या माने कि अभी भी जो CWC की बैठक होनी थी या एक चेहरा तय करना था उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत सिर्फ ट्रबल करना है? देखिए, कहा तो यही जा रहा है, देखिए जाहिर तौर पर अभी कार्यकर्ता का मन राहुल गांधी से नहीं हटा है,
इस्तीफा राहुल गांधी को पहुंचाने का मकसद अलग हो सकते हैं, सिद्धू कुछ भी काम करते हैं तो उसमें उसका अर्थ होता है और वो जानबूझ के इस तरीके से उन्होंने जो भी सोच कर किया होगा, पर यहाँ पर अभी राहुल गांधी का क्योंकि अभी तक विकल्प नहीं आया है तो लोगों के जब अंतर मन में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो छवि आती है वो केवल राहुल गांधी की निकल के आती है। आपको एक अपडेट यहाँ पे ये भी दे दें कि नाम मुकुल वासनिक का चल रहा है, नाम और भी कई सारे नाम इसमें रेस में है, आनंद शर्मा का नाम रेस में है, इसके अलावा गहलोत ने तो साफ मना कर दिया है कई नामों के साथ, और शिंदे का नाम चल रहा है, तो ये तमाम नामों के साथ एक और कवायद इस बार जब गहलोत आए थे तो ये थी कि एक बार फिर राहुल गांधी को समझाया जाए कि क्या अगर आप नहीं तो सोनिया गांधी इसको लीड कर सकती हैं, सोनिया गांधी इस पद पर वापस आ सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी इस बार जिस तरीके से एडमेंट है वो गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इस पोस्ट पर नहीं चाहते, लेकिन ये उम्मीद है कि जब 26 तारीख को लोकसभा खत्म होगी, पार्लियामेंट खत्म होगा, तब तक जिम्मेदारी दे दी जाएगी। और क्योंकि हालात इस तरीके के हैं कि अगर जिम्मेदारी में और लेट किया गया तो कांग्रेस बिखरती भी टूटती भी नजर आ रही है। एक एग्जांपल आज सिद्धू का इस्तीफा है, तो अगर आज में इस तरीके से आपसी अनबन रही, अलग अलग राज्यों के निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं नाना करते हुए भी बीजेपी को फायदा दे रही है, और ऐसे में कांग्रेस बिखरती नजर आएगी तो कार्यकर्ता टूट जाएंगे और कार्यकर्ता टूटेंगे। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के पास मौजूदा वक्त में देश में बहुत कुछ नहीं है। गिनती के 5 राज्य जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसमें कर्नाटका में डवाडोल स्थिति है, इसके अलावा लोकसभा चुनाव का हश्र हम सबके सामने है, लेकिन ऐसे वक्त में जब अलग अलग राज्यों में यानी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं दिख रही है, कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है परेशानियां आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। जाहिर तौर पर देखिए हर राज्य में परेशानियां हैं, और आपने कल देखा कि कल बहुत सारे तब्दीलियां महाराष्ट्र में भी की गई, पद बदले गए, तमाम चीजें हुई, लेकिन ऐसे में क्योंकि समय कम है, स्थितियां जैसे आपने कहा कि अभी बहुत अच्छी नहीं है, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी अंदर खाते इतनी अनबन है, 2 गुट बने हुए हैं कि ऐसे में फिलहाल बीजेपी इस बात की चिंता कर ही नहीं रही है या कांग्रेस इस को इमरजेंसी समझ ही नहीं रही है कि हम अगर महाराष्ट्र और आगामी चुनाव में भी अगर चुनाव हार गए, जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र और हरियाणा, तो ऐसे कार्यकर्ता के मन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इस गंभीर स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले तो एक चेहरा देना होगा कांग्रेस को, क्योंकि अभी तक कोई चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर नहीं है, और बहुत सारी चीजों को समेट कर अंदर खाते ही खत्म। देखिए हर परिवार में झगड़े होते हैं, हर परिवार में प्रॉब्लम होती हैं, पर कांग्रेस को जिस तरीके से बाहर मुखर होकर निकल कर आ रहा है, ये इमेज डैमेज कर रहा है और इससे कांग्रेस बहुत पीछे होती जा रही है। तो ये समझने की बात है, और इसके लिए सबसे पहले डिसीजन मेकिंग होनी बहुत जरूरी है, और शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत बाहर जब भी समय मिलता है दिल्ली आते हैं और चीजों को ठीक करने की जो कोर ग्रुप है वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अदिति, फिलहाल शुक्रिया, आगे भी रुख करेंगे। तो पंजाब की सियासत में अब किस तरीके से फिर बदल देखने को मिल रहा है और वहां क्या